रफली मेरे पास 296 USDT Binance एक्सचेंज पर रखे हुए हैं और मैं चाहता हूं कि इसको CoinDCX एक्सचेंज पर ट्रांसफर कर दूं। चलिए मान भी लेते हैं थोड़ी देर के लिए मैंने ट्रांसफर कर दिए हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि CoinDCX बोल रहा है रिंकू ये बता कि ये क्रिप्टो क्यों डिपॉजिट किया है और क्या तूने किया है या किसी और ने किया है, और अगर तूने किया है तो कुछ बेसिक डिटेल जरा मुझे बता, और किसी और ने यहाँ पर डिपॉजिट किया है तो उसकी डिटेल मुझे यहाँ पर बता। यानी कि ऐसा नहीं है कि डिपॉजिट कर दिया और काम फ्री हो गया, आपको इसका प्रूफ भी बताना होगा कि हाँ मैंने ही डिपॉजिट किया है, मेरा ही फंड है, क्योंकि इस पैसे का दुरुपयोग भी हो सकता है, इसीलिए जो एक्सचेंजेस हैं वो थोड़ी सिक्योरिटी रखते हैं। सो इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बाइनेंस एक्सचेंज पर आपके पास USDT है, उस USDT को आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर ऐसे ही आप CoinDCX एक्सचेंज पर ट्रांसफर करना चाहते हैं। सो किस प्रकार से ट्रांसफर करेंगे, किस प्रकार से KYC वेरिफिकेशन करेंगे डिपॉजिट करने के बाद में, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, वेरीफाई नहीं होता है या टोकन नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, इसके अलावा और भी बहुत कुछ इस वीडियो में जानेंगे। बाय द वे, आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप फ्री में टॉन कॉइन अर्न करने के लिए भी इलिजिबल हैं। फ्री में टॉन कॉइन अर्न करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, सबसे पहला काम करना है आपको इस वीडियो को लाइक करना है। आपको इस वीडियो में कोड दिखेगा, फिलहाल ये ब्लर्क है, आपको ये कोड किसी भी वीडियो के पार्ट में दिखेगा उस समय ये अनब्लर्क रहेगा। आपको जो भी कोड दिखता है वो कमेंट करना है, लेकिन साथ ही में आपको आपके टॉन कॉइन के लास्ट के 3 डिजिट भी कमेंट करने हैं। अगर आप पूरा एड्रेस कमेंट करेंगे तो YouTube को लगेगा कि ये तो कोई स्कैम लिंक है, तो आप कमेंट कर ही नहीं पाएंगे। और जैसे ही आप विन कर लेते हैं, कंप्लीट एड्रेस आप मुझे मेरे ट्विटर अकाउंट पर भेज दें। वापस से आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक के ऊपर। अब आपको चिंता नहीं करनी है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होना चाहिए। ये सेम टू सेम स्टेप्स आप अपने एप्लीकेशन के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है बाइनेंस एक्सचेंज के अकाउंट को आप लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पर प्रोफाइल के जस्ट बाजू में वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में स्पॉट क्लिक कीजिए। स्पॉट पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आपके वॉलेट में जितने भी टोकन रखे होंगे वो सभी दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, विड्रॉ के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे एंड उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। फिर आपको इस पेज को ओपन रहने देना है, आपको यहाँ पर CoinDCX एक्सचेंज की वेबसाइट पर आना है, अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में ट्रेड में आएंगे, किसी भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। पोर्टफोलियो के ऑप्शन पर आप ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप डिपॉजिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। या तो आप यहाँ USDT सर्च कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके आएंगे तो टीथर आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर USDT का एड्रेस देखने के लिए मिलेगा, मल्टीपल नेटवर्क देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ तक जब आप सब कुछ कर लेते हैं तो अब आपको कुछ बेसिक बातें ध्यान रखनी है जो कि आपको डिपॉजिट करने से पहले पता होनी चाहिए। आपका अकाउंट है या नहीं जिस अकाउंट से आप भेज रहे हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है सो मेक श्योर आप जिस भी प्लेटफॉर्म से भेज रहे हैं वहां से आपको उन यूजर का जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो चाहिए एंड पर्पज चाहिए कि क्यों भेज रहे हैं, एंड जिसमें आपको हो सकता है कि सामने वाले यूजर का एक वीडियो KYC भी लेना पड़े। सो ऐसी मुसीबत ना आए तो अपने ही खुद के अकाउंट से भेजिएगा। दूसरी बात, आपके पास वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आपकी 18 साल एज होनी चाहिए। आपको CoinDCX की वेबसाइट पर वापस से आना है, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेना है कि आप यहाँ पर जो USDT लेना चाहते हैं वो कौन से नेटवर्क पर लेना चाहते हैं। सबसे सस्ता यहाँ पर रहेगा BP20। इटली यहाँ तो लगी नहीं रही है, फिलहाल ये फ्री है। बाय द वे ऐसा हर बार नहीं रहता है क्योंकि Binance चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन हो, इसलिए आई थिंक इन्होंने फिलहाल ये फ्री किया है। सो आपकी इच्छा है, आप किसी भी नेटवर्क का जो एड्रेस है सिंपली वो यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं BP20 नेटवर्क पर लेना चाहता हूँ, सो जस्ट मैं इस एड्रेस को कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद में इस एड्रेस को मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे ही मैं एड्रेस डाल दूंगा सो अब मुझे ये बताना है कि जो मैंने एड्रेस डाला है USDT का ये कौन से नेटवर्क का है। सो मैंने यहाँ पर कौन सा सेलेक्ट किया था, BP20। सो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा BP20 एंड जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा अब मुझे बताना है कि मेरे पास जितना भी टोटल अमाउंट है USDT का इसमें से मैं कितना भेजना चाहता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल मैं कंप्लीट भेजना चाहता हूँ, सो यहाँ मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करूंगा एंड उसके बाद में विड्रॉ के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद में आपको मेक श्योर करना है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वापस से कि आप कंफर्म है ना कि आपने जो एड्रेस डाला था वो बाइनेंस स्मार्ट चेन का ही था, यानी कि BP20 का, और अगर ये चेन गलत हुआ तो आप बेसिकली आपका जो एसेट है वो खो दोगे, तो इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में आपकी ट्रांजेक्शन डिटेल आपको वापस से दिखाई देंगी, मेक श्योर कि आप इनको अच्छे से वेरीफाई कर ले क्योंकि कुछ भी
गलत हुआ तो आपको फंड नहीं मिलेगा। जब आप सभी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेते हैं, आपको यहाँ कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, बाइनेंस एक्सचेंज पर जो भी सिक्योरिटी आपने अनेबल कर रखी है वो सिक्योरिटी आपको वेरीफाई करनी है। जैसे ही आप अपना सिक्योरिटी वेरिफिकेशन कर लेंगे, जो विड्रॉल है सिंपली वो प्रोसेसिंग में चली जाएगा। अब मिनिमम आपको 5 से 10 मिनट वेट करना है, उसके बाद में आपको वापस से कॉइन DCX ऐप को ओपन करना है। एंड अगर आप ओपन करते हैं और नीचे यहाँ पोर्टफोलियो के बटन पर क्लिक करते हैं, आपको ऊपर क्रिप्टो डिपॉजिट वाला ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना। उसके बाद में आप यहाँ क्रिप्टो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा ट्रांजेक्शन्स में कि आपने जो USDT डिपॉजिट किया है उसको वेरीफाई करना है। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मुझे यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है, सो जस्ट मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब आपको यहाँ पर लापरवाही नहीं करनी, आराम से तसल्ली से जो डिटेल्स वो सबमिट करनी है। आपको यहाँ पर सबमिट डिपॉजिट डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जरा ये बताओ कि आपने जो फिलहाल USDT डिपॉजिट किया है ये किसके वॉलेट से किया है, यानी कि ओनर कौन है जिस भी एक्सचेंज से भेजा है। सो मैं खुद ओनर हूँ बेसिकली, सो मैं यस के ऊपर क्लिक करूंगा। अब मुझे यहाँ पर पर्पज बताना है कि एक्चुअल में ये जो फंड है मैंने वो क्यों भेजा है। सो यहाँ पर मैं बेसिकली कोई भी एक पर्पज सेलेक्ट कर लूंगा, पर मैं जो सेकंड ऑप्शन है कि ट्रांसफर मैंने किया है मेरे खुद के वॉलेट से कॉइन D6 वॉलेट में, सो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। आप अपने अनुसार कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ टिक करने है कि आपके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन डाली गई है वो एकदम करेक्ट है। आपको यहाँ सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सो यहाँ पर जो डिपॉजिट है बेसिकली वो 1 घंटे में वेरीफाई हो जाएगा। एंड ये जो अमाउंट होगा ये लॉक होगा, फिलहाल ये अनलॉक हो जाएगा। अब इसमें 1 घंटा बताने का है, ये 5-10 मिनट में भी हो सकता है और 24 घंटे में भी हो सकता है। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये बताने की बातें हैं, मेरा इंस्टेंट यहाँ पर जो वेरिफिकेशन है वो हो चुका है। एंड आपसे हो सकता है कि डॉक्यूमेंट डालने के लिए बोला जाए, क्योंकि मैं काफी बार पहले भी डिपॉजिट कर चुका हूँ इसलिए मेरे से वेरिफिकेशन नहीं मांगा। और अगर आपका वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाता है बार बार तो आप इनकी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यहीं पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। सो कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करके आप बाइनेंस एक्सचेंज के माध्यम से कॉइन D6 एक्सचेंज पर USDT को डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ भी पूछना चाहते हैं, सो कमेंट करके पूछ सकते हैं।